इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के दौरे पर हैं और भंगला बाजार और बिश्नौर फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। तकरीबन 6 बजे भंगला बाजार फ्लाईओवर का लोकार्पण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के आशियाना के बंगला बाजार बिश्नौर मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे देश के रक्षा मंत्री व लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह, और साथ ही साथ राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह और महापौर सरिता भाटिया समेत तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि आम लोगों की सुरक्षा के तमाम मद्देनजर रखते हुए इस फ्लाईओवर को बनाया गया है। ओवरब्रिज का शिलान्यास रक्षा मंत्री के द्वारा किया जाएगा, जिसके तहत उनके आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल का लगातार उच्च अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। मौके पर कई अधिकारी और पुलिस टीम के कई जवान मौजूद हैं, जो कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किए हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार 2 दिन से मॉक ड्रिल भी हो रही थी। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के काफिले के लिए पूरा एक रूट प्लान तैयार किया गया है, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और कई जवान यहां पर लगाए गए हैं। अधिकारियों ने, कलेक्टर ने लगातार उनके पूरे रूट का जायजा लिया है और आज कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि यहां पर फ्लाईओवर का जो लोकार्पण और शिलान्यास है, उस कार्यक्रम के तहत पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नवनिर्मित फ्लाईओवर का लोकार्पण उनके द्वारा ही किया जाएगा कल, और ऐसे में उनके आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है और आज कुछ ही देर में वो लखनऊ पहुंचेंगे, और ये काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ से ही सांसद हैं राजनाथ सिंह, और ऐसे में वह लखनऊ पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और इस दौरान राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, क्षेत्रीय विधायक राजेश्वर सिंह, महापौर सरिता भाटिया, तमाम लोग भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि काफी अहम ये माना जा रहा है फ्लाईओवर का जो लोकार्पण है वो करेंगे, और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, और रक्षा मंत्री व लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं शशांक श्रीवास्तव, सीनियर रेस्पोंडेंट लखनऊ हमारे साथ हैं। शशांक, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, कितना समय और लगेगा राजनाथ सिंह को पहुंचने में, और पूरे रूट की व्यवस्था क्या की गई है, क्या कुछ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और उनका पूरा डे प्लान क्या है? साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आने का भी कार्यक्रम था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं, लेकिन देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधा वो बंगला बाजार के लिए रवाना होंगे, जहां पर उन्हें सेतु का उद्घाटन करना है। साफ तौर से आपको बताना चाहूंगा कि लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चीजें थी, और ये जो समय था पिछली फरवरी में इस सेतु का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, 1180 मीटर लंबा है ये, उसके बनने में 1121 करोड़ रुपए लगे हैं। साफ तौर पर इसका जो तय समय था वो मार्च 2023 था, लेकिन समय से पहले ही ये जो है पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिससे लखनऊ वासियों को बहुत बड़ी निजात मिलेगी।
और जाम की समस्या से इससे निजात मिलेगी। खासतौर से अगर कानपुर रोड की बात करें, कानपुर रोड से अब एयरपोर्ट जाना जो है वो जल्दी हो जाएगा लोगों को और सुगम होगा। तो उत्तर प्रदेश में जगह 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 जहां पर निर्माण कार्य ऊपरगामी क्षेत्र का निर्माण चल रहे हैं वहीं पर ये आज मील का पत्थर साबित होने वाला है। लखनऊ का ये बिजनौर स्थित बंगला बाजार स्थित बिजनौर रोड से जिसे जोड़ता है ये जो पुल है ये बहुत ही बड़ी श्रृंखला में कम समय में अच्छा और सही समय पर पूरा हो गया है। तो आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर इसका लोकार्पण करेंगे और आज से इसकी शुरुआत होगी। वहां पर अगर मौजूद लोगों की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जितिन प्रसाद जो कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, राजेश्वर सिंह जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है सोईनगर से वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ब्रजेश सिंह को यहाँ पे आना था लेकिन चुनावी जनसभा होने के कारण वो मुजफ्फरनगर है तो वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन मुकेश शर्मा जो कि एमएलसी है समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, और यहाँ के महानगर अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। संयुक्ता भाटिया जो कि मेयर है लखनऊ से वो भी यहाँ पर रहेंगे। खासतौर से अगर बड़े नेताओं की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री यहाँ पर कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। खासतौर से आज लखनऊ का दिन, लखनऊ वासियों का दिन, लखनऊ में यात्रा करने वालों का दिन बहुत ही सुगम और सरल होने वाला है, जो सौगात देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ वासियों को देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल शशांक, जिस तरह से उनके आगमन को लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था, क्या कुछ रूट तैयार किया गया है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, और उनका जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल इसका लोकार्पण किया, तो ऐसे में उनके और भी अन्य प्रोग्राम होंगे, क्या पूरा शेड्यूल रहने वाला है? देखिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी आज से लेकर के कल तक का जो सरकारी प्रोग्राम दिल्ली से जारी हुआ उसे साफ तौर पर 5 बजे देश के रक्षा मंत्री यहाँ पर अमौसी एयरपोर्ट पर आएंगे, उसके बाद में सीधा कार्यक्रम में रवाना होंगे जो कि प्रस्तावित कार्यक्रम 6 बजे का है। 6:05 तो उनको उसका उद्घाटन करना है और यानी 6:25 पर उनका उद्बोधन है, यानी कुल मिलाकर कार्यक्रम की समाप्ति का जो समय दिया गया है वो 8 बजे का दिया गया है। उस कार्यक्रम के सीधे बाद 5A कालिदास मार्ग जो कि यहाँ पर उनका आवास बना हुआ है वहां पर वो पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम है, सुबह 8:30 बजे उनको सीधे बैंगलोर के लिए रवाना हो रहा है और 9 बजे वो बैंगलोर पहुंच जाएंगे। साफ तौर पे आज किसी और निजी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने गए, किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से मुलाकात का अभी तक कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं जारी हुआ है। तो लखनऊ में आना सिर्फ इस बात को स्पष्ट करता है कि लखनऊ के लोगों को ये सौगात देकर वो आज कल बैंगलोर के दौरे के लिए निकल जाएंगे। और रही बात सुरक्षा की तो 4 चौबंद व्यवस्था है, 3 प्लाटून पीएसी यहाँ पर अलर्ट है और हाई अलर्ट मोड पर लगातार जो अधिकारी है डीसीपीज है और यातायात व्यवस्था है वो सब यहाँ पर चाक-चौबंद की गई है, लगातार बॉगड्रिल हो रही है। किसी भी अजान व्यक्ति को जिनके पास आई कार्ड नहीं है उन्हें वीवीआईपी यानी गेट के पास नहीं आने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों के लिए भी लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, मीडिया की दूरी 500 मीटर के बाद बनाई गई है कि वहां से आप कवर कर सकेंगे। वीवीआईपी वीआईपी अति विशिष्ट विशिष्ट और सामान्य लोगों के लिए एक श्रृंखला बनाई गई जिसमें वो लोग बैठेंगे और यहाँ से झंडा दिखा करके कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है और क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, सुबह अभी जाते ही वो 6 बजे के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, उसके बाद अपने निवास पर पहुंचेंगे जो कि लखनऊ में उनका है और उसके बाद कल का उनके प्रोग्राम तय किए गए हैं, उसके बाद वो बेंगलुरु के लिए निकल जाएंगे। और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और रूट पूरा तय हुआ है, मॉक ड्रिल हो चुकी है, जैसे ही राजनाथ सिंह आएंगे तकरीबन 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। आप तस्वीरों में काफिला देख सकते हैं, जैमर गाड़ियां वगैरह सब लग रखी हैं, तो जाहिर है कि एयरपोर्ट्स पे वो पहुंचेंगे वैसे ही तुरंत उन्हें इसी रूट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा और काफ़ी बड़ी सौगात बताया जा रहा है इस फ्लाईओवर को मिलने के बाद एयरपोर्ट की दूरी बहुत कम हो जाएगी।